Hi friends, welcome my YouTube channel Viztech. So friends, my name is Vinay and you are watching Viztech. Friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google के ऊपर. And इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे interesting keywords बताऊंगा जिसके थ्रू आप Google में सर्च करके interesting बना सकते हैं Google सर्च बार को. And guys, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Google के कुछ ऐसे amazing facts जो कि आपको नहीं पता होगा. And आप वीडियो को वॉच करते रहिए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा. So friends, मैं इस ट्रिक को मैनुअली अपने कंप्यूटर एंड पीसी में दिखाने वाला हूँ, तो आप इसे अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं. एंड मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज डिवाइड करना चाहूंगा, जो कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है गूगल वाली वीडियो का. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करते रहिए, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में आ चुका हूँ. एंड जैसे ही आप यहाँ आएंगे, आपको कोई से भी ब्राउजर ऑन करना है. और ब्राउजर ऑन करने के बाद सिंपली आपको गूगल सर्च करना है. जैसे आप गूगल सर्च करोगे, गूगल के सर्च बार में आपको सर्च करना है जर्ज रस. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैनुअली आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ जर्ज रस सर्च किया. फर्स्ट में आपको इस टाइप से कुछ लिंक आएगी. फर्स्ट में इस लिंक को आपको सिंपली क्लिक करना है. उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बबल्स जो आ रहे हैं, जो वेबसाइट को इरेज कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये जो बबल्स हैं, रेड कलर का आइकन है. ये जो बबल्स जो वेबसाइट के लिंक हैं, उसे इरेज करते जा रहे हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बबल्स होते हैं, ये वेबसाइट को इरेज कर देते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से. सो फ्रेंड्स, ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं. तो गाइस, इसके बाद जो सेकंड कीवर्ड्स है, उसका नाम है आस्क यू. सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आस्क यू सर्च करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा. मैनुअली आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का जो लिंक है, ये थोड़ा झुका हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल थोड़ा झुका हुआ है, जो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को. गाइस, यहाँ पर जो सेकेंड कीवर्ड है, उसका नाम है गूगल ग्रेविटी. सो फ्रेंड्स, ये जो गूगल ग्रेविटी है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं यहाँ सिंपली अगर गूगल ग्रेविटी सर्च करता हूँ, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा. तो सिंपली आपको गूगल ग्रेविटी पे क्लिक करना है, और जो फर्स्ट वाला लिंक है, उस क्लिक करना है. जैसे मैं यहाँ गूगल ग्रेविटी क्लिक करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पूरी तरह से बिखर चुका है. एंड यहाँ पर आपको माउस को लेकर आप जैसा मन चाहे वैसे इसे रोटेट कर सकते हैं, जहाँ मन लगे वहाँ इसे ले जा सकते हैं. एंड एक जगह से दूसरे जगह आप इसे ले जा सकते हैं. जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये वाला जो चीज़ है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गूगल का ग्रेविटी का है, इसका जो असर है ये कैसे है. एंड गूगल ग्रेविटी काफ़ी अच्छी है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आप इसे एक बार बिल्कुल ट्राई करें. गाइस, अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये वाला कीवर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च करते हो गूगल इन 1998, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप गूगल 1998 सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गूगल 1998 में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैं इसे काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को.